अफसाना कहते हैं। आदम और हव्वा अब इस दुनिया में रहते हैं। आदम और हव्वा अब इस दुनिया में रहते हैं। बटन टूट गया। शट अप बदतमीज। बदतमीज? व्हाट इज सलवार कमीज? उठोड़े कहीं आपको चोट नहीं लगी? मिस्टर, मेरे घायल को हाथ मत लगाइए, मुझसे एक्सीडेंट हुआ है, मैं ही संभाल लूं। अब जाइए, मीटर चल रहा है, आइए मैम साहब। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आइए मैं छोड़ देता हूँ, आइए चलिए। नहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। देखिए ट्रैफिक का टाइम हो गया, खामोश। नहीं। तो साहब ये रहे आज के आदम और हव्वा, हमारे हीरो हीरोइन। देखिए ना, इनके मिलने के ढंग भी निराले हैं। इनको मिलाने के लिए कभी कभी म्युनिसिपैलिटी की सड़कें बड़ी काम आती हैं। देख लिया आपने, पहले टक्कर फिर झगड़ा। घबराइए मत, झगड़े के बाद ही प्यार होता है। हाय जालिम, तू पहिए में उलझ गया। अगर इस गले में उलझ जाता तो तेरा क्या चला जाता? चलो अब डायरी लिखी जाए। नाइन जुलाई संडे, साइकिल टूट गई पर लड़की बच गई। हाय हाय हाय, क्या जालिम चीज है। कहने लगी चलो थाने। हमने कहा अजीब परवाने नहीं जाते थाने, तो हंसती हंस तो दी पर फंसेगी कब, फंसेगी कब? शायद हरीश की शादी में शमा परवाने की फिर टक्कर हो जाए। मोहल्ला तो वही है। तो साहब, रंजीत का अंदाजा ठीक नहीं, हरीश की शादी पर शारदा से फिर टक्कर हो गई। रंजीत ने शारदा को देखा, शारदा ने रंजीत को देखा, रंजीत मुस्कुराया, शारदा मुस्कुराई, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। रस्में तो सारी पूरी हो गई, अब कुछ और हो जाए। हो तो जाए, लेकिन अगर उधर से भी कोई साथ दे तो मामला और भी जम सकता है। बहनों, देवियों, इस हारमोनियम के मुकाबले में कोई ढोलक बजेगा? हाँ, जरूर बजेगा। चल सुनो। साइकिल वाली, वो लड़की
साइकिल वाली दे गई रस्ते में कोई दे गई रस्ते में एक प्यार भरी गाली कोई लड़की साइकिल वाली गाली भी छोड़ दिया चांद सा मुखड़ा है और एक चांद सा मुखड़ा है जिसके दुपट्टे का ये जिसके दुपट्टे का एक रेशमी टुकड़ा है जी एक चांद सा मुखड़ा है चमक दिल में धमक होठों पे मस्ती मोहब्बत में पहले मजनू की यही हालत थी। क्या बात है बिरादर, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो यार। इश्क हो गया है। वाह, इश्क हो गया है।
वो ढोलक वाली लड़की से? हाँ यार, हाय हाय, ये बात कहां तक पहुंची? बात वैसे 50% पक्की हो चुकी है। 50% मतलब? मतलब मेरी तरफ के 50% पक्के हैं। अब उसकी तरफ के 50% बाकी। ओ, अरे उसे भी जल्दी पक्का कर लो बिरादर। यही सोच रहा हूँ यार। ऐसे मामलों में ज्यादा सोचा नहीं करते, लपक लो। लपक लो, लपक लो। अगर कैसे यार? हाँ, अभी बात दिमाग। अरे बिरादर, अरे बिरादर, ओ बिरादर। तुम? मेरा मतलब है आप? तुम ही ठीक है, आखिर में आपसे उतरकर तुम पे आना ही है। क्यों फिर खामों का टाइम क्यों वेस्ट करना? दरअसल बात यह है कि मैं तुमको तहे दिल से चाहता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम भी मुझे दिल की तहे से चाहती हो। कैसे? उस शादी वाली रात को जब अपना सेकंड एक्सीडेंट हुआ था। साइकिल का नहीं, दिल का। लेकिन 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 कुछ नहीं, दिल के मामले में ये सब कुछ नहीं चलता। इन शॉर्ट, आई लव यू एंड यू लव मी। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बात तो मैंने ठीक ही कही ना। ठीक है, अच्छा तो अब शादी हो जानी चाहिए हमारी। हाँ शादी? हाँ शादी वो तो होनी है, लेकिन फैसला कौन करेगा? तुम करोगी, तुम्हारी मम्मी करेगी या तुम्हारे डैडी? मैं, वो डैडी। डैडी ठीक है, फर्स्ट क्लास। कहाँ है वो? कहाँ है वो? उधर डैडी, डैडी, डैडी। नहीं अभी नहीं, बाद में। पहले नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो भाई? मैं रंजीत हूँ डैडी, रंजीत। उम्र 28 साल, नौकरी परमानेंट, 600 रुपया महीना नेट, सब कट कटा के। अच्छा जी हाँ, अब मैं मेन बात पे आता हूँ। दरअसल बात ये डैडी कि मैं शारदा से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी भी मुझे चाहती है। पापा ये बात तो, बात बिल्कुल साफ है डैडी, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शादी के लिए आपकी इजाजत चाहिए। शादी? जी हाँ शादी, मैं हर तरह से लायक हूँ, और सिवाय शारदा की मेरी और कोई फरमाइश नहीं है। नो दहेज, नो दौरी, नथिंग, ओनली शारदा। ना के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं डैडी, बस अब आप आशीर्वाद दे दीजिए। हटा, अबे हटा, अरे तुम लोग खड़े क्या हो? नाचते हो या मैं उतरूं? शादी में लड़की तो काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन मर्द अच्छा खासा जोकर बन जाता है। आमा बिरादर, आप इतना भी नहीं जानते कि सुहाग रात को क्या होता है? पहली शादी है यार, दूसरी तीसरी होती तो कुछ बताता नहीं। पहले तो बड़ा शेर बनता था, आज क्या हो गया है तुझे? पता नहीं यार मुझे, क्या हुआ मुझे? अरे हम बताते हैं बिरादर, पहली रात यानी सुहाग रात बहुत नाजुक होती है। इसमें थोड़ी सी भी भूल कर गए तो जिंदगी भर पछताओगे। अरे कुछ मेरी भी सुनो भैया, मेरी भी। इस किताब को पढ़ लो तो किला फतेह समझो फतेह। ये क्या? हिदायत नामा खाविंद। पढ़ो पढ़ो। यार मैं अभी इस किताब को पढ़ना शुरू करूंगा तो सुबह इसी में हो जाएगी। ठीक ही तो कह रहा है, अबे किताब पढ़ेगा तो करेगा क्या? अरे छोड़ो ये सब भाई, हम बताते हैं, जरा देखो हैं। बीवी सजे हुए पलंग पर यूं बैठी होगी, लजाई सी, सकुचाई सी, शर्माई सी। अब पहला लेसन, तुम्हें सीधे कमरे में घुसना है। अकेले? क्या पूछ रहा हूँ यार, आगे। अकबर बादशाह की तरह फूल सूंघते हुए। फूल सूंघ, एक मिनट यार, मैं जरा नोट कर लेता हूँ सर। हाँ हाँ कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। फूल कौन से हाथ में? दाएं हाथ में, दाएं हाथ में। अकबर बादशाह ने भी दाएं हाथ में फूल पकड़ा था, ऐसे। दाएं हाथ में फूल, अकबर बादशाह की तरह
हाँ नोट कर लिया, आगे। तब बीवी पहली बार शर्मीली नजरों से तुमको देखेगी। शर्मीली नजरों से देखेगी। गुलाब का फूल बीवी को पेश करना, कहना सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तो मैं कह दूंगा। फिर बीवी लजा के सकुचा के थोड़ी खिसक सी जाएगी, तब हल्के से उसका हाथ पकड़कर नजदीक जाते हुए पहला डायलॉग, जाने मन अब हमसे ये दूरी कैसी। दूरी कैसी? तब तक तुम्हारा बायां हाथ उसके कंधे तक पहुंच जाना चाहिए, गड़बड़ मत करना। ये डायलॉग बोलते बोलते? अरे हाँ भाई, डायलॉग बोलते हुए यार। अच्छा, डायलॉग और एक्शन साथ साथ। आगे तब धीरे से उसका कंधा दबाना और बड़े प्यार से अपनी जाने मन को अपनी तरफ खींचना। और अपनी तरफ अब पहली बार तुम्हें उसको चूमना होगा। लेकिन अगर वो घुटनों में सर छुपाए बैठी होगी तो क्या हुआ? दाएं हाथ से उसका मुंह उठाकर उसको चूम लेना। लेकिन दाएं हाथ में तो नहीं, वो तो दे दिया था। दे दिया था, हाँ, सॉरी। और चूमने के बाद उसको पान खिलाना। लेकिन वहाँ पान कहाँ से आएगा? बिरादर वहाँ सब रखा होगा, पान पानी दूध। उसके बाद वो तुम्हें पान खिलाएगी। पान? मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे पान पसंद नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगा। अरे बिरादर, यही वो मौका है जब उसकी कोहनी का सहारा लेकर अधलेट हो जाना और बीवी तुम्हारे आगोश में आ जाएगी। फिर क्या? फिर दुनियादारी की बातें और क्या? दुनियादारी की बातें। एक बात याद रखना बिरादर, पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता है। अच्छा। उससे डब मत जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको अरे कॉलेज में कुछ नहीं सीखा बनना। अरे सुन, उनके हाथ लगते ही मोम की तरफ पिघल नहीं जाना, समझे? थोड़ा सताना, एकदम बाहों में खो मत जाना। वो प्यार करने आए तो पहली बार यूं मुंह घुमाना नजाकत से। डर कहेगा शन्नो। आओ, बहुत डर लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है। हाँ बन्नू, जब वो आएंगे मैं पलंग पर बैठूंगी, मेरी तो जान निकल जाएगी बाबा। हाय अल्लाह, मुझे भी इतना डर लग रहा था। पता है मैंने क्या किया? मैं पलंग पर बैठी नहीं। क्या किया तूने? करती क्या, बस चांदनी रात थी, उनके आने से पहले ही मैंने सारी खिड़कियाँ खोल दी और बस चांद को देखती रही। जैसे वो आए मैंने यूँ जाहिर किया जैसे वो आ ही नहीं, बस वो अपने आप ही मेरे पास आए, मेरे पास खड़े हुए और काफी देर तक हम दोनों चांद को देखते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी सांसें हल्की हुई और डर वो चक्कर हो गया। हाँ तू भी ऐसे ही करना, आज पूरा चांद है, घबराना नहीं। तू भी ऐसे ही करना, आज पूरा चांद है, घबराना नहीं। औरत की जिंदगी इसी रात पूरी होती है, प्यार घर बार और एक दूसरे के लिए अपने आप को सौंप देने की अमर कहानी यहीं से शुरू होती है। बिस्तर तो खाली है यारो। इसके बारे में तो कोई हिदायत नहीं है, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई। अकबर बादशाह की तरह फूल सूंघते हुए। Thank you.
चांद, चांद का वैसा आजकल कोई चाम नहीं रहा, ये साइंस वालों ने छुट्टी कर दी है इसकी। नहीं आने वाला, मेरे ख्याल से वहां बिस्तर पे चले, हम अपनी बातें वहीं करेंगे, बल्कि वहीं शुरू होनी चाहिए। नहीं, यही ठीक है। यही ठीक है? हाँ। लेकिन ये नहीं, मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा, यहाँ खड़े खड़े क्या बातें करेंगे, वही बिस्तर पे। कहना सिर्फ तुम्हारे लिए। कहना? नहीं नहीं, कहना नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसमें तो तुम्हारी खुशबू है। हाँ, मेरी खुशबू? मगर ये तो खिसकी नहीं। जाने मन, अब हमसे ये दूरी कैसी? मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? दूर कहाँ, तुम तो एकदम नजदीक हो। कुछ नहीं, पहली शादी है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, ये थी। पहली बार तुम्हें उसे चूमना होगा। लेकिन वो पान कहाँ है? पान? आप पान खाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो पान खाता ही नहीं हूँ, तुम खाओगे? नहीं। सुबह हो गई, खामोखा हिसाब किताब में वक्त जाया किया, आज पता चल गया मुझे। क्या? रात चाहे दिवाली की हो या सुहाग की, नुस्खे अपने ही। पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता। पहली रात तो गुजर गई, अभी तक बिल्ली तो नहीं मारे। ठीक है, सुबह ही सुबह बिल्ली मार लेते। आए बेबी। जी आई। क्या बात है इतना से? हमें बताओ ना। हाँ, इसे हाथ मत लगाना, ये मेरी पर्सनल डायरी है, दोस्तों ने कुछ मशवरे दिए हैं, वो पढ़ रहा था। लिखा है, पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता है। पहली रात को बिल्ली कैसे मारते है? है एक तरीका, वो भी लिखा है। हमें बताओ ना। बताना बताना कुछ नहीं, मैं जो कहता हूँ वैसा करो। बीवी। जी सरकार। सुबह उठते हमें गर्मा गर्म चाय चाहिए, वरना 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 सुबह सुबह चाय हाजिर करूंगी। गर्मा गर्म। जी गर्मा गर्म। ओए बीवी। जी। जब मैं बाथरूम से नहा के निकलूं तो कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलने चाहिए, वरना 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 पहन दूंगी। हाँ ठीक है। आ,
अबे जी सरकार, लंच ठीक 1:30 बजे टेबल पे लग जाना चाहिए, वरना 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ गुड, अब डिनर रात को ठीक 9 बजे, वरना 9 बजे। बिल्ली बिल्ली तो कब की मर चुकी है। अरे बीवी, कल सुबह हमें दौरे पे जाना है, नहाने के लिए ठीक 5 बजे गर्म पानी मिल जाना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। कैसी को बिल्ली मारना कहते हैं? पता नहीं कहते होंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्ली को मारते मारते बिल्ला मर। बेटे तैयार हो गया? हाँ मम्मी। जूते पहना है? पहना। नाश्ता कर लिया? सब खा लिया। होमवर्क किया? यस डैडी। अबे आराम से पहन, इतनी जल्दी क्या है? छोटे हो गए, मैं लाना ना। ले देंगे बाबा, ले देंगे। ये लो अपना टिफिन और भागो, स्कूल को देर हो रही है, चलो। पापा मम्मी किसी आ गया। मम्मी डैडी बाय बाय। बिल्कुल तुम पर गया है। मुझ पर कहां जी, हम तो वो हैं ठंडे पानी वाले पति, वरना वाले नहीं। नहीं जी, हम तो बिल्कुल पालतू पति हो। अच्छा तुम और पालतू? अरे छोड़ो, मुझे काम करना है। मान जाओ वरना। वरना क्या? वरना मैं पेपर पढ़ूंगा। हाँ। यार प्लीज जरा मेरी वो घड़ी ले। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। कहीं जाना है? नहीं जाना नहीं, हमारे जीएम का लंदन से आ रहे हैं, सुबह 5 बजे फ्लाइट यहाँ पहुँचती है। कल को तो बहुत टाइम है। टाइम है इसलिए तो कह रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा, कम से कम तुम तो याद दिलाना। अच्छा मैं तो याद रखूंगी, लेकिन जाते जाते तुम कुछ भूल रहे हो। मैं घड़ी रुमाल? अरे अरे भूलता तो नहीं, लेकिन क्या करूं, दफ्तर में तुम हावी रहती हो और घर में दफ्तर। अच्छा यहाँ से चलो। क्यों यहाँ से? ठीक चलो ना। लेकिन यहाँ से क्यों लाई हो मुझे तुम? ये दिखाने लाई हूँ इस खटारे को ठीक कराई। क्या अच्छा लगता है मिस्टर रंजीत चड्डा सेल्स मैनेजर टैक्सी में जाए? अभी अभी तो 5,000 की पेमेंट की है टेलीफोन के लिए। अब अच्छा ठीक है, 2-4 दिन में ठीक करवा दूंगा बस। सुनो फिर बटन खोल दिए, अजीब हो तुम। अब जाओ। चाहिए T20। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
साहब आ गए। आ गए? हाँ जी। अच्छा। चलो भाई। बीवी बिना ये जिंदगी बंजर है, खाली बिस्तर दिल में चुभा खंजर है। वाह अच्छा शेर है, जिसने भी लिखा है। मैंने लिखा है भाई। खैर ये शेर रात की तन्हाई में लिखा गया है, इसमें तन्हाई की बू है। तुम तो कहोगे ही तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, घरबार है, और मैं वही का वही कुंवारा। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया है। क्या? अगर कोई कुंवारी लड़की न मिली तो मैं किसी बेवा से शादी कर लूंगा। उसकी तुम फिक्र मत करो, वैसे भी तुम जिससे भी शादी कर लोगे वो बेवा तो हो ही जाएगी। जी इस पे कोई शेर है? है तो सही, मगर उसमें बू ही बू है। आदाबन। क्या बात है, बड़ी हंस रही हो? कुछ नहीं, बड़ी मजेदार किताब है। अच्छा क्या लिखा है? लिखा है एक काम करो, तुम पहले हंस लो फिर बताओ। लिखा है पति पत्नी जब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों की शक्लें एक जैसी लगने लग जाती है, भाई बहन की तरह। यार तुम कहीं हमें राखी मत बांध देना। सुनो इसमें और भी कुछ लिखा है। छोड़ो बहन जी। सुनो ना, लिखा है शादी के 7 साल बाद पति पत्नी की पर्सनालिटी में एक खास बात पैदा हो जाती है, पत्नी ज्यादा से ज्यादा पति पर डिपेंड करने लग जाती है और पति चेंज जाता है। ठीक ही तो कहा है, 7 year itch। क्या कहा? यस देखो मैं तो तुम पे डिपेंड करता ही था, इन 7 साल में अब तुम भी मुझ पे डिपेंड करने लगी हो। एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो गया। लेकिन उस प्यार में किताब की क्या जरूरत? शैतानी नहीं। क्यों? भूल गए, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, जीएम को रिसीव करना है। ओफो, 5 बजे ये भी कोई टाइम होता है प्लेन के लैंड करने का? अच्छा काम करो, जरा वो 4 बजे का अलार्म लगा दो। अच्छा अरे ये तो बंद पड़ी है। क्या? ये लो, ये भी सो रही है। सुबह गिर गई थी ना। एक काम करो, वो मेरा हारमोनियम ले आओ। ले आई। लो क्या करने वाले हो? तुम देखती रहो। साहब आधी रात वेले चालू हो गए। आधी रात कहा सरदार जी, अभी वक्त क्या हुआ है? 1:10 हो गए। 1:00? 1:10। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। मिलाओ 1:10। 1:10 और अलार्म 4 बजे। लिफ्ट 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 प्लीज। श्योर कम इन। आप मुझे सेंट्रल मार्केट छोड़ देंगे? सेंट्रल मार्केट? अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। रियली? क्वाइट अ कोइंसिडेंस। वैसे इस ड्रेस को क्या कहते हैं? मिडी। मिडी आपको बहुत सूट। थैंक यू सो मच।
ये रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो भी आपको बहुत सूट करता है। Really? हाँ। मेरे पति भी यही कहते हैं। आपके पति? Yes, my husband. हाँ। What happened? गड़बड़ हो गई। मुझे उस तरफ नहीं उस तरफ जाना है। आपको सेंट्रल मार्केट जाना है ना? Yes. एक काम कीजिए, सामने से 84 नंबर की बस पकड़ लीजिए, सीधा सेंट्रल मार्केट पहुँच जाएंगे। सॉरी। It's alright. Thank you. Bye bye. Bye bye. साला हस्बैंड। Show your husband all the women you are in 100% polyester and polyester Georgia saris by Bombay Dyeing. गले में हो खराश या हो बंदना, हॉल पे परेशान, आराम दिलाए फौरन। गले की खराश मिटाए, बंदना फौरन खुल जाए। क्या कर रहे हो? प्यास, और आज तो उसकी कीमत भी दे रहा हूँ। ये लीजिए मैम साहब, ₹3,239 कैश। हाँ, आज तो पहली तारीख है, ये क्या है? ये मत समझना हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं, हम तो प्यार लेके जाते हैं, प्यार लेके आते हैं। बस यही तो चाहिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? जब भी मैं घर के बाहर जाता हूँ तुम ये बटन बंद कर देती हो, जब घर के अंदर आता हूँ ये बटन खोल देती हो। इसलिए कि घर में तुम आजाद हो और बाहर नहीं, समझे? समझा, घर में आजाद हूँ बाहर नहीं, मतलब बाहर इधर उधर। बिल्कुल नहीं। अच्छा, समझ। हैंड्स अप। मेरे लिए लाओ। हाँ बेटे, तुम्हारे लिए। यू आर ग्रेट डैडी। सो तू ही खेल। जारो मास्टर, जरा इसको उस तरफ कर दीजिए, हमारी वाइफ को छोड़ दीजिए, आपको मनी जितना चाहिए ले लीजिए। नो मनी, पिक्चर। पिक्चर? यस। मेरा ख्याल है आज इसको पिक्चर दिखाई दे। क्या टाइम हुआ है? 5:30, एक घंटा बाकी, पहले नहाते हैं फिर चलते। ओके। आ, तुम ही तैयार हो, चलो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पुत्रों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फव्वारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। देखे हो क्या ये देखकर, ये घर भैया है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना। मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए, तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भी होगी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, कच्चा
भी कम हो, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पड़ोसियों से झांके न खिड़कियों से, दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया, पर कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब्बा मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, हर गाना नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, हर गाना आए या ना आए गाना चाहिए। May I come in, sir? Yeah. Come in. Yes? Sir, मेरा नाम निर्मला देश पांडे, आपकी नई सेक्रेटरी। हाँ हाँ सेक्रेटरी। हाँ सर, क्या नाम है आपका? निर्मला देश पांडे सर। अभी तो बताया आपने, निर्मला अच्छा नाम है। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। आज तक कहाँ थी? जी नहीं, मैं पूछ रहा था इससे पहले आप कहाँ काम कर रही थी? भवंस कॉलेज में सेक्रेटरशिप का कोर्स कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी पहली नौकरी? जी। अच्छा नौकरी क्यों करनी पड़ी आपको? जरूरतें ही कुछ ऐसी हैं। यानी आप बेसिकली वर्किंग गर्ल नहीं है? बेसिकली कोई हिंदुस्तानी लड़की वर्किंग गर्ल नहीं होती सर। नहीं नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझी। मैं कहना चाह रहा था कि आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपकी फिगर अच्छी है, फिर आप खैर जो भी है, आपके विचार बड़े शुद्ध है, मुझे पसंद है। आई लाइक इट। थैंक यू सर। बिरादर बिरादर आपके घर फोन लग गया है। अच्छा हाँ, आपके घर फोन लग गया है। हाँ हाँ, तो मैं जाऊँ? वो लग गया, लग गया, लग गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, बस आप दिल लगा के काम कीजिएगा। May I go to my seat now, please? Yes. Thank you. Hello. Yes. Your wife on the line, sir. Hello. हाँ फोन लग गया है ना? श्री? Yes, sir. कुछ नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए। ओके सर। हेलो शारदा डार्लिंग,
मैं अभी तुम्हीं को याद कर रहा था। आप मुझे पप हेलो 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 अरे लक्ष्मी हुजूर एक सोडा ले जी सोडा। हाँ तो बिरादरों और बिरादरियों अभी अभी एक शेर नाजिल हुआ। इरशाद भाई इरशाद अर्ज किया है जी। हम जो पहुँचे मैखाने में कहाँ पहुँचे मैखाने में मैखाने में हम जो पहुँचे मैखाने में जेब में पैसा न था बहुत भाई वाह वाह उसने मांगा बिल हमने दिल हवाले ए भाई ये क्या है सोडा कहाँ ले जा रहे हो साहब के पेट में दर्द है भाई साहब के पेट में दर्द है लाओ लाओ हम ले जाते हैं सोडा दर्द दिल की दवा अच्छी है साहब के पेट में दर्द है जरा मैं आदाब खादिम को अब्दुल करीम दुर्रानी कहते हैं साहब का जिगरी दोस्त सोडा पेट दर्द सोडा आदाब आदाब बिरादरी आ गई दर्द का दौर शुरू हो गया बिरादर ये पेट से दिल तक पहुंचता है बिरादर मेरा ही शेर है क्या तकलीफ है यार सडनली कुछ पेट में गड़बड़ हो गए सडनली ओहो जरा ये पेटी ढीली कर दो अपने आप दर्द ठीक हो जाएगा हैं ये कभी कभी जवानी के बाद भी शुरू हो जाता है क्या यही जो पेट से दिल तक पहुंचता है सोडा अरे बिरादर आप भी लीजिए हा हा यार ये गाना हमें बहुत ही पसंद है क्यों वरना साहब आज इतनी देर क्यों हो गई कब से चाय बनाकर बैठी हूँ यार क्या करूँ एक बहुत जरूरी क्लाइंट आ गई क्लाइंट आ गई थी नहीं नहीं आ गया आज दिन भर तुमने फोन ही नहीं किया सारा दिन सुना सुना लग रहा था भूल गए फोन किया था लेकिन जनाब बहुत बिजी थे अरे हाँ सामने वो जो क्लाइंट खड़ी था खड़ी था हाँ खड़ी थी मेरा मतलब है खड़ा था तुम हो ना बातें बहुत बनाते हो हद है यार दिन भर ऑफिस में तुम्हारी याद सताती रहती है और यहाँ तुम्हें हमारे जज्बात की कदर ही नहीं कभी कभी लगता है तुम एक्टिंग बहुत करते हो तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था अरे जानम ये जो एक्टर लोग हैं ना वो सिर्फ प्यार की एक्टिंग करते हैं प्यार व्यार करना कुछ नहीं जानते वरना ये रोज रोज के नए नए स्कैंडल्स और यहाँ तो मियाँ बीवी का प्यार ही एक स्कैंडल हो गया लोग दफ्तर में ताजुब करते हैं कि 8 साल के बाद भी मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो भी इतना प्यार सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी तबीयत तो ठीक है लेकिन बेसिकली आई एम वेरी अनहैप्पी मैन बड़ा दुखी आदमी हूँ क्या बात है सर निर्मला इस दुनिया में हर आदमी अपनी अपनी तरह से दुखी है किसी को एक दुख है किसी को दूसरा दुख सर मगर आपको ऐसा क्या दुख है सर बात यह है निर्मला मेरी बीवी माय वाइफ हाँ हाँ पिछले 6 साल से बीमार है ना उठ सकती है ना बैठ सकती है हजारों इलाज करवाए इलाज करवाते करवाते मैं खुद ही डॉक्टर हो गया उन्हें क्या बीमारी है सर
ये ना ही पूछो तो अच्छा है। ये पूछो उसे कौन सी बीमारी नहीं है। ओ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। दिमाग फेल हो गया है। डॉक्टर वैद हकीम जोशी नजूमी ओझा सबको दिखा चुका हूं। सब ने हथियार डाल दिए। जोशी ने जो बताया है वो तो सोचकर ही डर लगता है। क्या बताया जोशी ने? मृत्यु ही होगा। बस अब 10-11 महीने की मेहमान है शारदा। I'm sorry, sir. हेलो, यस इज हियर सर। हेलो। क्यों यार? कैसे हो तुम? पी क्या पी? चाय। चाय पी गया जी। चाय? नो थैंक्स। ये खांस क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, सुपारी खाई थी गले में अटक गई। थैंक गॉड। अच्छा सुनो, आज टाइम पर आ जाना, समझे? बाय। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। और सुनो, तुम भी टाइम पे दवाई ले लेना। अच्छा ओके। सर आप दुखी मत होइए, मेरे लिए कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। बस थोड़ी सी हंसी दे देना, जिंदा रहने के लिए काफी हो जाएगी। सर मैं अपनी सीट पे जाऊं। सर मैं अपनी सीट पे जाऊं। जाओ। I'm sorry. I am not. क्या बात है बिरादर, पूरा अस्पताल खोले बैठे हो? वो आज जरा तबीयत ढीली पड़ गई है। ओ, वैसे इस बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं लव इन द आफ्टरनून, और उर्दू में इसी बात पे एक शेर कहा है। नहीं नहीं प्लीज। आदर्श में आदर्श ये भी हम नहीं कारी बदरी जल भर लाई, झरने को छमछम कारी बदरी बरसी, लेकिन प्यासे रह गए हम। शेर है। चपरासी एक ग्लास ठंडा पानी। पाना दे दिया। अरे किस चक्कर में पड़ गए? गाड़ी फिर से खराब हो गई। किसी मैकेनिक को बुला लिया होता तुम ठीक कर पाओगे? हाँ हाँ डोंट फिकर, एकदम फिट कर दूंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किए, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। रिंकू पकड़। अरे पकड़। दे दिया। अच्छा लो शरबत पियो, आओ पर आओ जल्दी लाओ। इस गाड़ी को बेच क्यों नहीं देते, रोज बीमार पड़ जाती है। सेंटिमेंट्स स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं ये मेरी पहली गाड़ी है और लकी भी तुम्हारी तरह। ची ची ची, कितने गंदे हो तुम। चलो लो पी ले। चीयर्स। मैकेनिकल इंजीनियर साहब, सुबह से शाम हो गई, खाने का वक्त हो गया, कुछ हुआ? साली को खोल तो दिया लेकिन अब समझ में नहीं आता कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होता है। पुर्जे फिट करने में तुम बड़े माहिर हो। हाँ लेकिन सेल्स मैनेजर ही करते करते सब भूल गया हूँ। यार तुम एक काम करो, मैकेनिक को फोन करो, गाड़ी अभी ले जाए, कल सुबह किसी भी तरह तैयार चलो। इतनी भी जल्दी क्या है, टैक्सी में चले जाना। यार एक क्लाइंट पे रोब डालना है, पटाना है उसको। ये गाड़ी भी मेरी तरह जंग खाई पड़ी थी। और अब
अब देखो कितनी तेज भाग रही है। निर्मला, अब तो मैं भी जिंदगी से तेज भागना चाहता हूँ। तुमने मुझे क्या क्या दिया है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। अच्छा आज की शाम कितनी खुशनुमा थी। हाँ, जिंदगी भर याद रहेगी। अंदर नहीं आएंगे? एक प्याला चाय? नहीं, वो क्या है, बीवी को दवाई पिलाने का वक्त हो गया है ना। अच्छा। इसलिए जाना। मजा आ गया। रोज रात को खाने के बाद हम ड्राइव पे निकला करेंगे इसी तरह। बाकी घर में बहुत बोर हो जाते हैं, आज बड़ा मजा आया ना। अरे स्वीट हार्ट, जिंदगी भी क्या चीज है। मुझसे ज्यादा खुशनसीब आदमी इस दुनिया में कौन होगा। फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास बीवी, फर्स्ट क्लास बेटा और फर्स्ट क्लास वो। सामने देखो, पहको मत। चल बेटे चल। अरे अरे ये क्या हो? क्या हुआ? अरे सावली फिर बंद पड़ गई। अब चलो ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ, सामने ही तो जाना है। धक्का मारना पड़ेगा थोड़ा सा। चले आजा, मिल पे आ जा। हाँ मारो धक्का। शाबाश। लेफ्ट 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 मार। हाँ सीधा कर, सीधा कर। ये ब्रेक मार, ब्रेक मार। अब तो इसका चेक डब्बे को बेच डालो, मैं और पैसे नहीं बर्बाद करती इस पर। यार ये भी एक किस्म का रोमांस स्टाइल है। मजा आ गया इस साली को धकेल के। क्यों बेटे? मुझे तो बहुत मजा आया। चलो फिर ये दवाइयाँ क्या बात है? क्या बताओ निर्मला, रात भर जागा हूँ मैं। क्या हुआ? रात को बीवी की तबीयत एकाएक ज्यादा खराब हो गई। चारों तरफ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। जी। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। रेल के सामने खुद के जान दे दूं अपनी या नदी में डूब मरूं। रंजीत रंजीत मेरी तरफ देखो। रंजीत तुम रोगे नहीं, मैं जो हूं ना। तुम ठीक कहती हो निर्मला, अब जो भी सहारा हो तुम ही दो। तो फिर एकदम ठीक हो जाओ। दफ्तर में कोई देखेगा तो क्या कहेगा? जाओ जाकर मुंह धो लो, मैं भी सीट पर जाती हूँ। मेरी कसम रोना नहीं, अगर तुम रोगे तो मेरे प्यार को धक्का लगेगा। प्यार? हाँ मेरा प्यार। अब मुस्कुराओ। That's it. क्या बात है, आज बहुत चहक रहे हो। तुम्हारा प्यार और ये मौसम। अच्छा जाइए जल्दी कपड़े बदल लीजिए। अच्छा दो घंटे हो गए अभी तक तुम्हारे डैडी नीचे नहीं आए। ऊपर ही होंगे। क्या कर रहे थे देर से? लगता है डैडी बाथरूम में बैठ गए। मैं देख कर आती हूँ। अरे सो गए क्या? नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ अभी।
क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? वो दोपहर को ऑफिस में कुछ दाल खा ली थी, तब से गड़बड़ हो रही है, शायद कब्ज हो गया है। मुझे क्यों नहीं बताया, अजमैन की बुकनी बनाकर दे देती, पेट साफ हो जाता। अच्छा शुरू हो जाए। आह छोले। हाँ ये रोटी ये मेरे लिए। तुम सिर्फ सूप पियोगे? हाँ और चाहो तो दही भी, लेकिन रोटी नहीं। ओके चलो सूप पियो। दादी तुम्हें बहुत अच्छा। चिकन कैसा है? फर्स्ट क्लास। अच्छा तो फिर थोड़ा सा मुझे दिया। इन्हें मत देना, इनका पेट खराब है। डैडी के पेट को क्या हुआ? कब्ज हो गया बेटे। डैडी कब्ज का मतलब क्या? मत पूछ बेटे, सिर्फ सूप पीना पड़ता है। चिकन हाँ हा 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 केक्स। ये लो फांक लो। ये क्या है? अजमैन की बुकनी। नहीं 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 पेट साफ हो गया। देखो जिद नहीं करते, मुंह खोलो वरना। ये लो। वेरी गुड, अब सो जाओ। क्या? लेकिन प्यार, ज्यादा प्यार करने से पेट खराब होता है। सो जाओ चलो। ये भी नहीं, खाना भी नहीं, प्यार भी नहीं। चाय, जल्दी बाहर आओ। अरे पेट साफ हो गया? तुम्हारा नुस्खा कुछ ज्यादा ही काम कर गया। चाय पियोगे? अरे ऐसा खाओ। क्या हुआ? सुनो मेरी माना तो छुट्टी करो। छुट्टी तो मेरी इसने की है, ऊपर जाना पड़ेगा। निर्मला के आने से पहले मैं सोचता था खुदकुशी कर, पर अब कितना फर्क पड़ गया है। घर तो पहले ही अस्पताल बना हुआ था, दफ्तर में भी घुटन होती थी, पर जब से निर्मला आई है दफ्तर गुलजार बन गया है। उसकी सोबत में वो असर है जो जख्म के लिए मरहम का होता है। निर्मला निर्मला एक खुशगवार हवा का झोंका है। सुनो रंजीत, मुझे तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर एक बात है, तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत देखकर मैं दंग हूँ। मेरी ताकत तो तुम हो निर्मला, वरना मैं तो दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता ही जा रहा हूँ। क्या अजीब फीलिंग है, किसी का साथ
किसी की उंगलियों की चुमन, या जान सी झंझनाहट। क्या इसी को प्यार कहते हैं? हाँ निर्मला, इन्हीं स्वीट फीलिंग्स को प्यार कहते हैं। हम रोज इसी तरह नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? लेकिन दफ्तर के बाद घर जाना बहुत जरूरी है, उसे दवाई जो पिलानी होती है। दवाई पिलाने के बाद मैं रोज आ जाया करूंगा। जिंदगी के कुछ लम्हे मैं भी जी लिया करूंगा। अब मेरे ख्याल से चले। अरे हाँ निर्मला, तुम्हारे घर के आसपास कोई फोन है? है ना, हमारे घर में ही फोन है। अच्छा, नाना जी की बीमारी की वजह से मेडिकल फोन मिला है। अरे तो फिर जल्दी से नंबर लिखवा दो, कभी कभी घर में पड़े पड़े तुमसे बातें करने को बहुत दिल करता है। क्या नंबर? 5636 3621। और एड्रेस? निर्मला देश पांडे। निर्मला देश पांडे। पिकनिक अपार्टमेंट। पिकनिक अपार्टमेंट, वर्सोवा रोड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आज बहुत देर लगा दी। ओवर टाइम, डबल ड्यूटी। चलो आज जरा अय्याशी करते हैं, पिक्चर देखते हैं, किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं और फिर पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन आधा खाना बन चुका है। तो सुबह खा लेंगे। पिक्चर की टिकट मिल जाएगी? स्वीट हार्ट, टिकट लेके आया है। यार ये तुम्हारा अजीब तरीका है प्यार करने का। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, रिंगो। तेरे नाम, तेरे नाम दिल, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम दिल, तेरे नाम, तेरे नाम। ओहो दिल करता है के दिल तेरे नाम कर दूं, ओ दिल करता है के दिल तेरे नाम कर दूं। मरने से पहले ओए, मरने से पहले ओए, मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। तेरे नाम, तेरे नाम दिल, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम दिल, तेरे नाम, तेरे नाम। हाय हाय दिल करता है के दिल तेरे नाम कर दूं, मरने से पहले हाय, मरने से पहले ओए, मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। सारा जमाना खत्म तुझी पे होगा किसी दिन, मेरा अफसाना मैं हूं तेरा दीवाना, तेरी खुशी हो अगर, अरे तेरी खुशी हो अगर मर जाऊं मैं ये किस्सा तमाम कर दूं, मर जाऊं मैं ये किस्सा तमाम कर दूं। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम दिल, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम दिल, तेरे नाम, तेरे नाम। हाय हाय दिल करता है के दिल तेरे नाम कर दूं, मरने से पहले हाय, मरने से पहले होए होए, मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं। से बदनामियों से क्यों डरते
अपना नाम बदनाम कर दूं मरने से पहले ओए मरने से पहले ओए मरने से पहले जरूरी ये काम कर दूं फिर खराब हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या, मैकेनिक को फोन कर देते हैं, वो टो करके ले आएगा। आओ टैक्सी पकड़ते हैं। हाँ, आज देर हो गई। डैडी, आजकल आप रोज लेट आते हैं। आता नहीं हूँ बेटे, हो जाता हूँ। नौकरी तो आखिर नौकरी है। एक पार्टी को मिलने जाना था, तुलसी पाइप रोड पे गाड़ी खराब हो गई, पैदल आना पड़ा। क्यों, टैक्सी और बसेस नहीं मिली? स्ट्राइक तुम्हें नहीं मालूम ना? आज जरा स्ट्राइक थी इसलिए पैदल आना पड़ा। अच्छा हाँ। तुमसे कितनी बार कहा है गाड़ी बदल लो, एक तुम हो सुनते ही नहीं। अरे वाह, कल कहोगी बीवी बदल लो। मैम साहब, हम कोई चीज नहीं बदलते। अच्छा बाबा, अगर पुरानी नहीं बदल सकते तो नहीं ले लो। ख्याल बुरा नहीं है, हम एक नई ले ही ले। अच्छा तो अब मैं नहा लूं? नहा लूं। एक शेर अर्ज किया है, तुमने मारा दूर से हमने झपट के ले लिया, तुम नहीं तो क्या हुआ, दिल में तुम्हारा तीर है। बिरादर प्लीज काम करने दो। बिरादर? ओहो, शेर सुनने की तमीज ही नहीं है। एक शेर और सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। घूम कर आया हमारी पीठ में वो धस गया, खींच कर दिल ले गया, ऐसा तुम्हारा तीर है। दुरानी भाई प्लीज। भाई दुरानी नहीं बोल सकती, सिर्फ निर्मला मैम साहब को बुलाओ। अच्छा साहब। अच्छा सुनो, आज इसको छोड़ो, आज शाम को ठीक 5 बजे तो मुझे घर पहुंचना है, वो बीबी को दवाइयां जो देनी है। फिर कब मिलेंगे? 7 बजे मिले। ठीक है 7 बजे, लेकिन कहाँ, आज तो गाड़ी भी नहीं है। कहीं पास ही मिल लेते हैं, जुहू ठीक रहेगा। जुहू ठीक है? अरे नहीं, वहां तो शारदा का बाप रहता है। एक काम करते हैं, यही कहीं बैंड्रा खार में मिलते हैं। ओके। गजीबो। ऑलराइट। ठीक है ठीक है। गजीबो 7 बजे। टू द मैनेजर, गजीबो विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड। यस सर, आपने जो फाइल्स एंड कोटेशन मांगी थी वो मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, यू कैन गो मिस, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। आप इस दफ्तर में कब से काम कर रहे हैं? जी 4 साल से। 4 साल में आपने इतना भी नहीं सीखा कि किसी के रूम में दाखिल होने से पहले नॉक किया जाता है? आई एम सॉरी सर। आइंदा ऐसी गलती ना हो। आई एम सॉरी सर। यू कैन गो। आई एम सॉरी। ये ले। ठीक है ठीक है बेटी। मैम साहब, मैम साहब, रंजीत साहब इधर ही रहता है। अपन गाड़ी टो करने का पैसा लेने के लिए आया। कितना रुपया? 50 रुपया। 50? इतना क्यों? तुलसी लेक से टो करके लाया मैम साहब, बहुत लंबा पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, 24 किलोमीटर। जरा ये पकड़ो। लो। सलाम मैम साहब। तुलसी पाइप रोड, तुलसी लेक, मार्बल लिपस्टिक निशान, कुछ समझ में नहीं आता। आए जन्म, तुमने कहा था 5 बजे आ जाया करो, सो हाजिर हो गए। मैंने कुछ कहा? क्या बात है, आज कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही हो। कुछ नहीं,
तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा अच्छा मैम साहब, अब अगर इजाजत हो तो ओवर टाइम करो। ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है इस घर के लिए यार, वरना मुझे क्या पड़ी है? क्या मैंने कब रुका है? क्या जरा हंसकर कहो। जा ये बात हो। जासूसी करने गई थी? हाँ। क्यों? ये बताओ तुम्हारे रुमाल पर लिपस्टिक के निशान कैसे? कौन है ये लड़की? मेरा रुमाल? लिपस्टिक? तुम्हारा नहीं है? नहीं। फिर किसका है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अरे हाँ याद है, कल ऑफिस में 3-4 लड़कियां आ गई थी, वो सेल्स वुमेन होती है ना, उनमें से किसी एक को जुकाम था, उसने रुमाल मांगा, मैंने रुमाल दे दिया। ये शायद उसी का। शायद क्या, उसी का तो है। अच्छा ये बताओ गाड़ी तुलसी लेक कैसे पहुंची? किसने बताया? मैकेनिक ने। उसने तुलसी लेक बताया? हाँ। ये मैकेनिक्स भी अजीब होते हैं, उसने तुलसी पाइप रोड के बजाय तुलसी लेक बताया। साला अनपढ़। तुलसी पाइप रोड बहुत पास में है, तो गाड़ी टो करने के 50 रुपए कैसे लगे? उसने तुमसे 50 रुपए ले लिए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुस्सा इस बात का है कि मैकेनिक 50 रुपए लूट के ले गया है? अच्छा अच्छा, यही तो साला मसला है, घर के लिए दिन रात काम करो, सराहने वाला कोई नहीं, इन छोटी छोटी चीजों के लिए तुमने मुझ पर शक किया। ठीक है आज से ओवर टाइम बंद, मैं अभी बॉस को फोन करता हूं, मुझे तो सिर्फ अपना घर चाहिए और तुम्हारी खुशी, और क्या चाहिए मुझे। हेलो। हेलो सिन्हा साहब। सिन्हा साहब रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? अच्छा अच्छा ठीक है। 5 6 3 6 2 1। हेलो। हेलो 5 6 3 6 2 1, मैं रंजीत बोल रहा हूँ, रंजीत। हाँ देखिए आज मैं काम पे नहीं आ सकूंगा, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकूंगा, मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मैं ऑफिस में, कल दफ्तर में, ऑफिस में। हाँ हाँ दफ्तर में। हाँ अब तो खुश हूँ। हाँ मैंने शादी की रात भी कहा था कि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं, कहा था ना। वाह
अब ये निर्मला वाली डायरी अंदर और शारदा वाली डायरी शुरू करते हैं। सबसे पहले सिन्हा साहब का नंबर लिखिए 5636 21 शारदा माय डार्लिंग माय लव आई लव यू। शारदा You are not just my wife, but also my life. शारदा तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के आई हो और बहार बन के जा रही हो। शारदा माय डार्लिंग माय लव माय लाइफ माय वर्शिप माय एवरीथिंग। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता। आ गई। अरे क्या हुआ? किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। पहले कब कहा था? नहीं कहा। नहीं, खैर अब कहता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि इस डायरी में क्या लिखा है। क्या क्या लिखा है? यही, निर्मला डार्लिंग यू आर माय लव यू आर माय लाइफ यू आर माय वर्शिप एंड यू आर माय एवरीथिंग। राइट राइट तुम तो सभी समझ लेती हो, फिर लिखने से क्या फायदा? तुम लिखा करो, हम समझा करेंगे। अब चलो काम करते हैं, डिक्टेशन लो। नो डिक्टेशन, पहले ये बताओ कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था? फोन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, फोन। कल ये हुआ कि एज यूजुअल बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और फिर कुछ रिश्तेदार आ गए थे। लेकिन ये सिन्हा साहब का क्या चक्कर था, तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? सिन्हा, अब डार्लिंग रिश्तेदारों के सामने मैं और क्या कहता क्या कहता मैं? लेकिन हमारे लिए तुम किसी सिन्हा साहब से कम नहीं हो। मैम साहब, आज आप लेट हो गई। आज आप जल्दी आ गए साहब। आपसे ऐसा ही होगा, आपका प्यार ही ऐसा है। अच्छा मैं फटाफट ना लेता हूँ, तुम जल्दी से चाय बना के ले आओ। अच्छा ये तो गलत डायरी नीचे छोड़ा है मैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो फिल्म फेयर मैगजीन लेने आया था तो अचानक सिग्नल आ गया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। लाओ। पढ़ूंगी। तुम नहीं पढ़ो। आज मैं पढ़कर ही रहूंगी। लेकिन ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसके अंदर मेरे मेरे अंदरूनी जज्बात है। लाओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। तुम नहीं। ठीक है पढ़ो।
शारदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शारदा मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरी जिंदगी कितनी वीरान होती। समझ में नहीं आता कि शारदा जिंदगी है या जिंदगी शारदा। पढ़ ली डायरी? तुम सोच रही होगी कैसा गधा हूं मैं। नहीं रंजीत। अच्छा एक बात बताओ शारदा, तुम मेरी इस डायरी को पढ़ने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? मुझ पे शक है तुम्हें? नहीं। मैंने पहले ही कहा था मत पढ़ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कुछ खास वजह है। अच्छा, हमें भी तो पता चले। अभी पता चल जाएगा। अरे तुमने बिना पढ़े साइन कर दिया। तो क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है कि मैं जो भी टाइप करके लाऊं तुम साइन कर दोगे? अरे जानम, तुम अगर हमारा डेथ वारंट भी टाइप करके ले आओ तो हम बिना देखे उस पर दस्तखत कर देंगे। अच्छा बताओ तो सही, बात क्या है? मुझे यहाँ से अच्छी नौकरी मिल रही है। अच्छा कहाँ? पाक्सन फेबर में। वहाँ तो अपना यार है वो खन्ना, वो जीएम है। उन्होंने खुद ही मुझे ऑफर दी है। खन्ना ने? हाँ। अच्छा, हाँ भाई हमसे ज्यादा पैसे है उसके पास, आदमी जवान है, हम जैसे दुखी बुड्ढे के पास तुम्हें क्या मिलने वाला। लेकिन जितना जवान वो नजर आता है उतना है नहीं, विग पहनता है विग। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? तुम्हें तो अभी अभी कहा तुम्हें अच्छी नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल तो रही है लेकिन मैं जा तो नहीं रही। तो फिर ये क्या है? ओ रंजीत, मैंने मजाक के लिए इस्तीफा टाइप किया था, तुमने उस पर भी साइन कर दिया। कमाल हो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पार्क्स एंड फेवर में भी नहीं? फिर ठीक है, मैं जाऊं। साले खन्ने, उल्लू के पट्टे, हमारी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारता है कंजू। देख ही नहीं चल सकते क्या? देख ही तो रहा हूँ। जमाने ने हमसे चली गई। साला खन्ना। अरे हाँ, क्लोज योर आईज। With love. Thank you. रिश्वत दे रहे हैं आप? अरे जानम, हम तो सिर्फ प्यार देते हैं और प्यार लेते हैं। ओ रंजीत। ओ निर्मला। मैं हूँ, मैं। इम्प्रेस्ड? बहुत महक रहे हो। उस दिन तो कह रही थी बहुत चहक रहे हो। कहीं बहक मत जाना। इम्पॉसिबल। लेडीज परफ्यूम, लगता है किसी लड़की से मिलकर आ रहे हो। अजी ऐसी किस्मत कहाँ अपनी, हमारी किस्मत में तो सिर्फ एक ही लड़की है और वही हमारी खुशकिस्मती है। यार आज ऑफिस में एक परफ्यूम बेचने वाला आ गया था। अच्छा? वो होता है ना स्मगलिंग वाला। हाँ? उसने आके फुसफुस किया, हमें अच्छा लगा, सो हम आपके लिए ये ले आए। हाँ, मेरे लिए? हाँ जी, सब कुछ आप ही का तो है, परफ्यूम भी आपका है, हम भी आपके हैं। उरन जी। ओ शारदा, कौन है? साहब आपका गाड़ी लेके आया, तैयार हो गया। अरे मैंने कहा था मैं खुद लेना आऊंगा। वो अपने धनी को पैसा मांगता साहब, ये बिल है। इतना पैसा? वो अपने को मालूम नहीं साहब, आप टेलीफोन फिर आओ पूछो। थैंक यू साहब। वो गाड़ी में पड़ेला मिला था।
मेम साहब कहाँ होएगा? हाँ क्या बात है? कौन है? कुछ नहीं, ये गाड़ी लेके आया था, तुम जाओ बचाओ। अरे उस दिन तुम गाड़ी में भूल गई थी। मैं तो समझी कहीं और खो गई थी। अरे हमारे पास जो चीज रहेगी वो खोएगी कैसे? क्या बात है, आज बड़ी उदासी लग रही है। यूं ही मुझे नहीं बताओगी? नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? मैं जो हूँ हम करवाएंगे ऑपरेशन। हाँ कितना लगेगा? डॉक्टर तो करीब 5,000 रुपए बताते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, तुम जब चाहो ऑपरेशन की तैयारी कर लो। रियली? ऑफ कोर्स। यू आर सच अ डार्लिंग रंजीत। आज डैडी ने फिर गोल कर दिया। गोल कर दिया? हाँ, आज संडे की पिकनिक। बेटे डैडी को फुर्सत कहाँ है, शायद जीएम आए होंगे, उनसे मिलने गए होंगे। कभी किया मतलब कभी कोई आता है। ची 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 ची, मम्मी डैडी का बाथरूम तो बहुत गंदा है। रहने दे। मम्मी ऊपर डब्बे में बहुत घास इकट्ठा हो गया। अरे चिड़ी का घोंसला हवा गिरेगा तो पाप लगेगा। ऊपर चिड़िया नहीं है। अरे अंडे होंगे। अरे अरे गिरेगा, उतर उतर। तुम मुझे ऊपर उठा। नहीं मैं साफ करती हूँ, उतर। उठाना। चल चल। मम्मी डैडी की लाइब्रेरी। मम्मी अभी मुझे उतारो। मम्मी अब मैं खेलने जाऊँ? जा। पिकनिक अपार्टमेंट्स पर सुबह साहब है? जी वो घर पर नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनके आया बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैम साहब की तबीयत कैसी है? आप कौन बोल रही हैं? साहब आए तो बोल देना कि निर्मला का फोन आया था। शारदा, ओ शारदा, शारदा, ओ रानी, आई हैव गॉट सम गुड न्यूज। जानती हो जीएम ने मुझे आज क्या कहा? कुछ ही दिनों में वो मुझे अपना डेप्यूटी बना रहे हैं। रंजीत चड्डा डेप्यूटी जनरल मैनेजर और तुम मिसेस डेप्यूटी जनरल मैनेजर। खुश? तुम्हारी तरक्की हो और मैं खुश ना हूँ। ये बात हुई ना। खाना लगा दूँ? खाना नहीं नहीं, मुझे वो आज वो पार्टी से मिलना है ना, वो सिर्फ आज ही का दिन है यहाँ। अच्छा देर हो गई, भागता हूँ। Thank you.
लाल एंड चीप हमेशा धोखा देते, हमारा संडे गोल कर दिया ना। सॉरी बेटे, आज ऑफिस में इतना काम था, सर दर्द हो गया। जा बेटे एक ग्लास पानी लिया, मैं जरा एनासिन ले लूं। इतना काम मत किया करो, अपने आप को संभालो, कितने थक जाते हो तुम। घर के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है शारदा। सच है रंजीत, घर के लिए तुम कितना कुछ करते हो। रानी प्यार मिलता है तो कर लेता हूँ, घर में इतना प्यार मिलता रहे तो आदमी आसमान के तारे तोड़ लाए। तारे तोड़ कर लाना, कहीं आसमान तोड़कर मत ले आना। क्या कहा ना, इतना काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम पर दोहरा बोझ पड़ता है। दोहरा बोझ? हाँ, काम का और ओवर टाइम का। आज नहीं। क्यों? आज तुम बहुत थके हुए हो। अरे यार, प्यार के लिए भी कोई थकता है? नहीं, तुम आराम करो, मेरा क्या है, मैं तो हर दिन हर रात तुम्हारे लिए हूँ। फिर आज क्यों मना कर रही हो? क्या मैं सिर्फ अपना ही सुख देखूं, अपने आदमी की सेहत का ख्याल ना करूं, क्या ये ठीक है? अरे सो जाओ प्लीज, सो जाओ ना। Yes? आप निर्मला हैं? आपकी तारीफ। आप इनको जानती हैं? रंजीत को? आप इनसे प्यार करती हैं? लेकिन आप है कौन? मैं ऐसी एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ, आपको कई बार इनके साथ देखा, आपकी तस्वीर खींच ली। आप क्या समझी, मैं ब्लैकमेलर हूँ? ब्लैकमेलर भी होती तो मेरा क्या कर देती, मैं कोई छुपकर तो प्यार करती नहीं। हाँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ, मगर इन साहब की उम्र कुछ ज्यादा लगती है, शायद शादीशुदा है। मुझे मालूम है, पर रंजीत का शादीशुदा होना ना होना कुछ मतलब नहीं रखता। मतलब? मतलब ये कि एक बीमार बीवी को लेकर अगर आदमी खुद मुर्दा हो जाए और उस मुर्दा आदमी को मैं प्यार देकर एक नई जिंदगी दे सकूं, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी राहत दे सकूं, तो क्यों ना दूं? किसी को प्यार देकर नई जिंदगी देना गुनाह तो नहीं? मरती हुई बीवी के साथ रंजीत को भी मर जाने दूं? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैं उनकी बीवी का बुरा नहीं चाहती, फिर उनकी जिंदगी मौत का भी कुछ भरोसा नहीं, वो कल भी मर सकती है और 8-10 महीने के बाद भी। बेचारे रंजीत तो डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों के पास भागते भागते अधमरे हो गए, पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? ज्योतिषियों तक ने कहा है कि उनकी बीवी को मृत्यु योग है, बेचारी 8-10 महीने की मेहमान है। ऐसे में अगर एक आदमी किसी का हाथ पकड़ ले तो क्या फर्ज है किसी भी औरत का? आपसे किसने कहा कि उनकी बीवी इतनी बीमार है? मुझे खुद रंजीत ने बताया है। मैं हूँ रंजीत की बीवी। शारदा, ए जानम, आ जानम, खुशखबरी, प्रमोशन, आज से मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूँ, है ना खुशखबरी? दूसरी खुशखबरी मैं सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जोशी ने कहा है मैं 8-10 महीने में मरने वाली हूँ। बोलते क्यों नहीं, मुंह पर ताले पड़ गए, यही है ओवर टाइम, घर की खुशी, हमारा प्यार। वो मैम, आग लगे ऐसे प्यार को जो घर को उजाड़ दे,
कब से चाह रहे थे मैं मर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो शनु। मत कहो मुझे शनु, अपने निम्बो के साथ गुल छड़े उड़ाओ, मेरी मौत का इंतजार करो, अपनी शादी की तारीख पक्की करो। कैसी बातें कर रही हो तुम, पहले मेरी पूरी बात क्या सुनो। ये सबूत काफी नहीं है। अब ये सुबह क्या सबूत दे रहे हो रंजीत साहब? मैं हूँ ना जीता जागता सबूत। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं आपकी बीमार बीवी से मिलने आई हूँ। अपनी बीमार बीवी से नहीं मिलोगे रंजीत? जोशियों ने जब मृत्यु योग बताया वो मुझे नहीं बताओगे रंजीत? धोखा देते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे घर को बर्बाद करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा दिल तोड़ते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे प्यार को धोखा देते तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो देखो, तुम दोनों को गलत फहमी हुई। आप कहते हो तुम रंजीत नहीं हो और मैं निर्मला नहीं हूँ और मैं शारदा नहीं हूँ। देखो शारदा तुम्ही हो, निर्मला भी तुम्ही हो, मैं उल्लू हूँ, बल्कि उल्लू का पठा हूँ, घना हूँ घना, डोंकी कुत्ता हूँ कुत्ता, आई एम मैड, आई एम क्रेजी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, आप मेहरबानी करके दोनों माफ कर दीजिए मुझे। मेरी समझ में नहीं आता तुमने अपने से दुगनी उम्र वाले आदमी से कैसे प्यार किया। मेरी उम्र वालों के पास प्यार तो होता है, पैसे नहीं होते। मैं मिडिल क्लास की लड़की हूँ, दुनिया को देखती हूँ, तो जी चाहता है मेरे पास भी सब कुछ हो, छोटे छोटे आराम, छोटे छोटे सुख, सिर्फ प्यार से तो भूख नहीं मिटती। बस इतने के लिए तुमने अपना सब कुछ दे दिया? मेरा बस चलता तो मैं नौकरी ना करती, पर हमारे जैसे घरों की हालत का अंदाजा आप नहीं लगा सकती। जरूरतें हमें एक तरफ धकेलती हैं और दिल दूसरी तरफ, जहां हमारी दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं हम बेबस हो जाते हैं। यकीन मानिए अगर मुझे सच्चाई का मालूम होता तो ये सब कभी नहीं होता। मगर अब तो आपसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। आपका घर बसा रहे, रंजीत ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने तो उसे धोखा नहीं दिया। मेरे लिए तो ये प्यार का पहला अनुभव था, सच्चे प्यार का अनुभव, और इसी में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सच मानो तुमने अपना प्रेमी खोया, मैंने अपना पति, लेकिन रंजीत ने क्या पाया? रानी आओ आओ बिरादर। यार चल मेरे साथ। क्या हुआ? बहुत बड़ा घफला हो गया यार, तुम ही चलकर अपनी भाभी को समझाओ। लेकिन क्या हुआ बिरादर, क्या हुआ? वो निर्मला है ना, वो अपनी सेक्रेटरी। हाँ, हाँ। उसने जाकर तुम्हारी भाभी के पास न जाने क्या क्या बका है। मुझे तो डर लगता है कहीं शारदा कुछ करने बैठे। ये निर्मला की बच्ची तो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ओहो, तो मामला इतना संगीन हो गया बिरादर। आमा पहले बोल दिया होता तो हम निर्मला को बर्बाद कर देते, ऐसी क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, चल के देख लेते हैं। दोस्त वही जो वक्त पे काम आए, वार उस पर ना हो खुद पे झेल जाए। यार ये भी तुम्हारा नहीं है, तुमको मेरी मदद चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर शेर मेरा है, 100% मेरा है, बोलो किसका? तुम्हारा है। हद हो गई, आइए चलिए। मानते ही नहीं थे। वकील लेकर आए हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, पूछो इसे, पूछो दुरानी से। आप भी किस चक्कर में आ गई भाभी, निर्मला तो लड़की ऐसी है, उसने दफ्तर में किसी को नहीं छोड़ा, सब पे डोरे डाले, और जब किसी पर बस नहीं चला तो मेरे भोले भाले बिरादर को पकड़ लिया। ये बात है। और नहीं तो क्या? तो फिर ये क्या है? अरे डायरी, बिरादर की डायरी। पढ़ो इसे। ओ निर्मला, तुम एक हसीन ख्वाब हो, समंदर की लहरों की तरह लहराता हुआ तुम्हारा जिस्म, तितली के पंखों की तरह कांपते हुए तुम्हारे अधखुले होंठ। वाह बिरादर वाह वाह, कभी कभी लगता है सदियों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था, आवाजें लगाता हुआ, तुम्हें पुकारता हुआ, निर्मला निर्मला निर्मल। वाह बिरादर वाह, आज तक मैं ही अपने आप को शायर समझता था, लेकिन तुम्हारी शायरी के सामने मैं उल्लू का पट्टा लग रहा हूं। वाह वाह, मुझे शागिर्द बना लो बिरादर, मुझे शागिर्द बना लो, नहीं मुझे बना डालो, मुझे बना डालो बिरादर। निर्मला तू मैं और भी कुछ दिखा। निर्मला निर्मला
ये देखो। वाह, ये जबरदस्त पोज। भाभी, यही इनकी गलती है। इश्क करने वाले को और कत्ल करने वाले को कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे बिरादर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है ना, सबूत तक छोड़ दिया। बिरादर, जरा हमारी तरह मुखातिब हो जाइए। इतनी अच्छी भाभी के होते हुए आपने ये जुर्रत कैसे की? ये क्या बताएंगे, ये कब से मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। देखो शारदा, मुझसे जो कुछ हुआ है मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था, जस्ट प्लेटोनिक रिलेशन था मेरा। उसको आराम और पैसे की जरूरत थी, तो साथ साथ तुमने उसे वो भी दे दिया जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। उसे धन दौलत सब कुछ दे देते, लेकिन वो प्यार न देते तो सिर्फ मेरा था। उसे आदमी की जरूरत थी, मुझे आदमी नहीं रंजीत की जरूरत थी। तुमने मेरा रंजीत भी उसे दे दिया, बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाभी, इसीलिए तो हम लोग कुंवारे रह गए। जब शादीशुदा लोग ही लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम कुंवारों की शादी कैसे होगी। खैर जाने दीजिए, चलो बिरादर आगे बढ़कर भाभी से माफी मांग लो और कान पकड़कर बोलो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे। माफी तो मैं पहले ही मांग चुका हूँ दुरानी, पर ये माफ करे तब। एक औरत के पास माफ करने के अलावा हक क्या है? भाभी, मुझे माफ नहीं करोगी शारदा? कर भी दूं तो क्या, पहले जैसा रिश्ता हमारे बीच में कभी जिंदा नहीं हो सकता। ऐसा ना कहो शारदा, और जो चाहे सजा मुझे दे दो। सजा जो मैंने तुम्हें देनी थी वो तुमने मुझे दे दी। अपना पहला प्यार छोड़ के जब कोई दूसरा प्यार कर लेता है तो तीसरे और चौथे के लिए रास्ता खुल जाता है, लेकिन पहले प्यार पर लौटा नहीं जा सकता। रंजीत, मेरे शरीर में अब भी तुम्हारी महक बाकी है, लेकिन तुम्हारे शरीर में मेरी महक बाकी नहीं है। शारदा, एक कसूर तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम्हारी कसम, मैं फिर से वही रंजीत बनकर दिखा दूंगा। हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, कश्मीर में साथ रहेंगे, वहां फिर से अपना खोया हुआ प्यार हम वापस पा लेंगे। मेरे लिए ना सही, रिंकू के लिए ही सही। डैडी, डैडी, मैंने मम्मी को मना लिया। सच? हाँ। शाबाश बेटे, अब अपना कश्मीर का प्रोग्राम पक्का। कब? मैं आज ही छुट्टी के लिए अर्जी भेज देता हूँ, अगले संडे को चलते हैं। पहले टिकट दिखा। अरे बेटा, टिकट तो मैं आज जाके खरीदूंगा, कल दिखा दूंगा। और डैडी, यू आर ग्रेट, राइट? आज बटन बंद नहीं करोगे? क्या फायदा, बाहर जाके फिर खोल दोगे? अब नहीं खोलूंगा, प्रॉमिस। आपने मुझे याद किया बिरादर? हाँ दुरानी, मेरे अकाउंट में कुछ 5,000 रुपये होंगे, वो मुझे भिजवा देना। और ये मेरी छुट्टी की दरखास्त जीएम तक पहुंचा देना। छुट्टी? हाँ, मैं तुम्हारी भाभी और बच्चे को लेकर कश्मीर जा रहा हूँ। ओ, बहुत अच्छा कर रहे हो बिरादर, जख्मों को भरने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं। मैं पैसे भिजवाता हूँ। अरे आप आ गई?
जाने को आई हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, साहब को दे देना। एक मिनट, आप आइए मेरे साथ आइए। अरे जाइए तो सही, ले चलिए, ये लीजिए। बिरादर निर्मला, ये इस्तीफा मंजूर करके मेरा जो भी पैसा निकलता है वो भी दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैठो। नहीं, ऐसे ठीक है। तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन शायद यही ठीक होगा। तुम दफ्तर में आओगी, हम फिर मिलेंगे और मेरा मन फिर कमजोर हो जाएगा, लेकिन मुझे गलत मत समझना। इन बातों को छोड़ो, इनमें क्या रखा है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हो सके तो अभी दिलवा दीजिए। क्यों? नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका फौरन ऑपरेशन कराना है। मुझे पैसों के इंतजाम के लिए नागपुर जाना है मामा जी के पास। खैर, पैसे तो तुम्हें अभी मिल जाएंगे, लेकिन निर्मला हो सके तो मुझे माफ कर दे। सुनो, मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। जो बात करनी है यहीं पे कर लो। यहाँ ऑफिस में ठीक नहीं है, मैं शाम को 5 बजे गजीबो में तुम्हारे इंतजार। मैं नहीं आऊंगी। सुनो प्लीज, मेरी खातिर। ठीक नहीं मोह, आफत और मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। उन्हें मदद करनी होती तो वहीं से नहीं भेज देते रुपए। तू जाएगी, रुपए मांगेगी और बेइज्जत होकर आएगी। मेरी बात सुन बेटी, तू मत जा। लेकिन ऑपरेशन जरूरी है नाना जी, आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में। मैं जाऊंगी मामा के पास। मत जा बेटी। नाना जी ठीक कहते हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन कैसे होगा, पैसे कहां से आएंगे? फिलहाल इसे काम चला लो, 5,000 है। लेकिन मैं आपका पैसा क्यों लूं? निर्मला प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शायद ये एक अच्छा काम करके मन का बोझ हल्का हो जाए, प्लीज। लेकिन सुनिए बेटी, कौन था ये फरिश्ता? कैसे जाऊंगा, क्या कहूंगा? हेलो, तुम? हाँ मैं। मुझे बैठने को मत कहिएगा, मैंने आपसे माफी तो मांगी थी, पर आज मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने आई हूँ। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैं रंजीत के नाटक की रो में बह गई, ये सोचे समझे बगैर
कि इस दरिया का कोई किनारा नहीं, मगर आज मैं इस नाटक और बनाना नहीं चाहती। अब तो इस नाटक का अंत हो चुका। अभी नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया है। ये 5,000 रुपए आप रख लीजिए प्लीज। रुपए किस बात की? रंजीत ने धोखे की कीमत दी है मुझे। कीमत? हाँ कीमत। रंजीत ने जो कीमत मेरे प्यार की लगाई है वो आप ही को मिलनी चाहिए। ये पैसा मेरा नहीं, आपका है। ये पैसा मेरे टूटे हुए दिल को तो नहीं जोड़ सकता, पर शायद आपके टूटे हुए घर को जोड़ दे। बेटे तुमने कल कहा था ना, आई एम अ लायर एंड अ चीट। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। हम कश्मीर तो चलेंगे ना? नहीं बेटे, आई एम सॉरी, इस दफा नहीं जा सकते। क्या डैडी, मैंने अपने फ्रेंड से कह दिया कि हम कश्मीर चलेंगे, अब मैं तो क्या करूंगा? आप हमेशा ऐसे करते। देखो बेटे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बेटे को सॉरी कहने के अलावा और क्या ही कह सकते हैं? निर्मला कहती तो अपना घर बेचकर चल देते। अब क्या हुआ? होना क्या था? जमा किए रुपए भी सदे आए। ओ मैंने दिए कहाँ? ओ वो ठक्के ले गई। ठक्के ले गई? आज अकल आई तुम्हें? हाँ शारदा, आज मैं समझा हूं कि बीवी बीवी ही होती है और दूसरी लड़की वो होती है, वो जो घर को बर्बाद करती है। मुझे मुझे नफरत हो गई निर्मला से। नफरत हो गई है? हाँ नफरत। आज बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो। जब इश्क करने गए थे तब क्या हुआ था? तब मैं गधा था, मेरी अकल घास चलने गई थी। अब क्या हुआ? उसने मेरे साथ क्या किया सुनोगी? ये कहानी भी सुनाई दो रंजीत। कहानियां तो खत्म हो गई शारदा, अब जो सुना रहा हूं वो हकीकत है। आज आई थी ऑफिस में, बदनाम करने की धमकी देने लगी। दरअसल उसे रुपये चाहिए थे। पहले तो रुपयों की खातिर वो इश्क का नाटक करती रही, लेकिन आज सीधे ब्लैकमेल पे उतर आई। और वो तुमसे 5,000 रुपए ठक्कर ले गई जो तुमने कश्मीर जाने के लिए निकलवाए थे। अब तो बस करो रंजीत, क्यों निर्मला को बदनाम कर रहे हो? तुम सोचते हो उसकी बुराई करके तुम मुझे खुश कर लोगे? यही है ना वो 5,000 रुपए? ये रुपए तुम्हारे पास? हाँ, निर्मला खुद आकर मुझे दे गई। लेकिन क्यों? ताकि ये रुपए हमारे बिखरते घर को किसी तरह बचा सके। शायद जो टूटने से बाकी रह गया है उसे साबित कर सके, और एक तुम हो उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि ये रुपए तुमने निर्मला को दिए थे? रंजीत, जब आदमी गलत और बुरे काम करने का आदी हो जाता है और उन्हें छुपाता है तो उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वो सच्चाई में जी नहीं सकता। निर्मला देवी है रंजीत, असल में औरत को खराब करने वाला आदमी होता है और औरत को बर्बाद करने वाला भी आदमी होता है। तुमने निर्मला को खराब किया, मुझे बर्बाद किया, इस घर को बर्बाद किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। शारदा, सुनो शारदा, शारदा। शारदा, मुझे माफ नहीं करोगी? मम्मी तुम क्या कर रही हो? डैडी मम्मी क्या कर रही है?
मम्मी बताओ ना कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटे, कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग बिरादर। गुड मॉर्निंग दुरानी। गुड मॉर्निंग बिरादर, सब ठीक है ना? सब ठीक है। पर दुरानी, एक बात है यार, आदमी और औरत में एक बुनियादी फर्क है। औरत प्यार को पकड़कर बैठ जाती है और आदमी प्यार को बांटता रहता है। ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट की दिमागी बातें हैं बिरादर, थर्ड क्लास थर्ड की दुनियावी बातें नहीं। कुछ भी कहो यार, औरत एक वक्त में एक ही को प्यार कर सकती है। और ये साला आदमी नाम का जो जानवर है ना, उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने प्यार को एक वक्त में कईयों को बांट सकता है। वो तो ठीक है बिरादर, लेकिन अब ईमानदारी से जिंदगी बिताओ। दफ्तर और घर, बस यही हमारे मंदिर और मस्जिद है। मंदिर की इमारत ये हमारा दफ्तर है और इसकी मूर्ति घर में रहती है। लेकिन बिरादर, अब एक मूर्ति जरा हमारे घर भी आ जाने दो, बहुत हो गया। इस बात पे एक शेर कहा, अभी अभी आया, अभी जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। मस्जिद है मेरा दफ्तर, खाली है मेरा बिस्तर। मैं सोचता हूँ अक्सर, कुछ तो छोड़े मेरा अफसर। हंसने की बात नहीं रहा। दुरानी जी, ये शेर तुम्हारा शेर। आदाब आदाब, आज तो मान गए आप, किसी बात पे पान मुलाजा फरमा लूं। आदाब आदाब, कोई तो माना। अरे दुरानी, तू छा गया, तू छा गया। चलो अब काम करते हैं। मैं कमिन सर। या कमिन, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ, मिस नीता। सेक्रेटरी? क्या नाम बताया आपने? नीता। नीता, नाइस नेम, गुड नेम। थैंक यू। अब तक आप कहाँ थे? जी कुछ नहीं। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या बताऊं तुमको, दरअसल बात यह है, मेरी पत्नी, माय वाइफ। लेकिन अब ईमानदारी से जिंदगी बिताओ। दफ्तर और घर, यही हमारे मंदिर और मस्जिद, और इसकी मूर्ति घर में रहती है।